गाड़ी से निकल जाओगे। आप सोचोगे मेरे हाथ में तो भाई सोना का पूरा खजाना लग गया, खजाना हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए आप गाड़ी चला के तेजी से निकल जाते हो। जब दोबारा आप सुबह उठ करके अपना चेहरा वहरा धो करके नहा के आप बाहर जब जाते हो हीरो बन के, आपको लगता है कि करोड़पति बन गए, उसी दिन आप रोड पे आ जाते हो, क्योंकि इस तरह का फेक सिक्का आपके हाथ लगता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। उसी तरह स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो वीडियो बनाया है ये कोई आम वीडियो नहीं है। इस पे बहुत लोगों ने इस पे कमेंट किया था कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के फ्रॉड उनके साथ हो रहे हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिए इसको समझिए कि इस तरह के फ्रॉड अगर आपके साथ नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात, अगर जिनके साथ हुआ है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कुछ है इस वीडियो में देखेंगे समझेंगे। आपको पहले उसका एक बैकग्राउंड जिस्ट बताता हूँ। एक लोगों को अभी नॉर्मल बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। क्या कॉल आता है? कॉल में बोला जाता है कि हम आपके दुकान से कभी कोई सामान खरीदे थे। नॉर्मली हार्डवेयर्स के दुकान या उस तरह के दुकान जो टाइल्स के होते हैं या जो सैनिटरी आइटम बेचते हैं, उस तरह के दुकान पे वो कॉल करता है फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर कॉल करके बोलता है कि आपको याद है मैंने आपके दुकान से ये सामान लिया था। वो फ्रॉडस्टर कहाँ का होता है, क्या कुछ वो करता है, पूरे इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं वीडियो को देखते हैं। देखिए ये जो वीडियो है मैंने आपको बताया कि ये एक गोल्ड कॉइन सेलिंग फ्रॉड है। ये क्या हो रहा है, किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, किस रीजन में बहुत ज्यादा होता है, किस तरह के गोल्ड कॉइन होते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो विक्टिम आया था उसने मुझे वो गोल्ड कॉइन भी दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा वो गोल्ड कॉइन किस तरह का रहता है और कैसे कुछ फ्रॉड होता है, ये सारी चीजों को दिखाएंगे। पहले इस पिक्चर को समझते हैं क्या है। ये बंगाल में एक जगह है, एक रीजन है बंगाल में, वहां पे इस तरह के पोस्टर जो है ये सावधान लिखा हुआ है बंगाली में, इसके बारे में बताया गया कि क्या चीज हो रहा है, किस तरह के फ्रॉड को वो कर रहे हैं। ये कुछ फेक गोल्ड कॉइन है जो बंगाल पुलिस ने पकड़ा है और वार्न किया है, पीपल ने किया है, बंगाल पुलिस पुट अ पोस्टर टू वार्न पीपल अगेंस्ट फेक गोल्ड कॉइन सेलिंग ट्रिक्सटर्स। ये ट्रिक्सटर क्या होते हैं, किस तरह से वो ट्रिक करते हैं और किस तरह से लोगों को ठगते हैं, इसका पूरा मोडस बताएंगे, समझ में आएगा आपको कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। इसमें देखिए कुछ लोगों को पकड़ा भी है, उनके पास कुछ सोने के सिक्के बरामद हुए। अगर आप देखना चाहते हो सोने के सिक्कों को तो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ इस तरह के गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ये आपको मैं पास से दिखा रहा हूं। ये जो गोल्ड कॉइन है, इस तरह के जो सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, मुझे बहुत सारा सिक्का दिया गया था। एक्चुअली ये गोल्ड कॉइन है नहीं, ये किस तरह से फ्रॉड होता है, क्या कुछ होता है, इसको पूरा आपको बताते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये है वो गोल्ड कॉइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बंगाल में बहुत चलता है। ये गोल्ड कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है ये बंगाल में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अगर बंगाल में कोई लोग होंगे, बंगाली अगर पीपल इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको इस बारे में पता होगा। ये फ्रॉड जब किसी के साथ हो रहा है तो उसको भारी नुकसान हो रहा है। कैसे वो फ्रॉड करते हैं इसको बताएंगे। बट इसी के साथ साथ गोल्ड कॉइन के साथ साथ एक गोल्ड बार स्कैम भी होता है, जिसमें आपको जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल है वो जान रहे होंगे, आसाम में ये फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। गोल्ड बार स्कैम क्या होता है देखते हैं। देखिए इस तरह के कुछ न्यूज कटिंग मैंने लगाया है, न्यूज़पेपर कटिंग मैंने लगाया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड बार है, इस तरह का एक नाव के शेप में, ओवल शेप में कुछ है। एक जो है कि ये जीसस क्राइस्ट का एक गोल्ड का बना हुआ मूर्ति है जो लोग उसको सेल करते हैं। इस तरह के ट्रिक्सटर्स होते हैं जो वहां सेल कर रहे हैं। आसाम में जब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो वहां पे जो गोल्ड बार है उसका ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, और जो अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पे गोल्ड कॉइन जो इस तरह के कॉइन्स हैं उसका बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। गोल्ड बार भी मेरे पास था, किसी ने मुझे दिया था, वो गोल्ड बार मेरे पास अभी भी है, क्योंकि वो भारी है, यहाँ पे दिखा नहीं सकते। बट इस गोल्ड कॉइन्स को मैंने आपको दिखाया कि इस तरह के गोल्ड कॉइन होते हैं जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो इस तरह के गोल्ड कॉइन आप इसको देखोगे पास से तो बिल्कुल लगेगा कि ये वो गोल्ड कॉइन है जो खुदाई में निकला है। अब वो पूरा मोडस किस तरह से काम करते हैं उससे पहले देखते हैं किस तरह के जो गोल्ड बार वाला स्कैम है वो किस तरह से वो स्कैम कर रहे हैं। गोल्ड बार का जो स्कैम है उसका कुछ और पिक्स देखते हैं। देखिए ये किस तरह से बना रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये उसका सांचा है। सांचा तो समझते हैं जिसके अंदर वो डालकर उसको ढाला जाता है। ये सारे सांचा है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। ये गोल्ड बार स्कैम है, ये गोल्ड बार है और ये जीसस क्राइस्ट का वो मूर्ति है जिनको इस सांचे में ढाल करके बनाया जाता है। सारे सांचे हैं, इसमें हनुमान जी की मूर्ति भी है, बहुत सारी मूर्ति है। इस गोल्ड बार को जो सांचा है जीसस क्राइस्ट का, इस ये सांचे में ढालकर बनाया गया है। ये देखिए इस तरह से सामने ठीक सामने इसका आ रहा है। और ये जो है कि आपका ये आसाम पुलिस है, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और ये महिलाओं के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, वहां के लोकल पीपल बहुत ज्यादा करते हैं। जो लोकल लोग होते हैं कैसे कुछ ठगी होता है उससे पहले जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट रीजन कहाँ पे है जहां पे इस तरह की ठगी होती है। अगर आपको कॉल आता है उन रीजन से, उस क्षेत्र से, तो आपको उस कॉल का रिस्पॉन्ड करने से पहले इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा इस वीडियो को तो आपके साथ ठगी होगा, देखेंगे उस रीजंस को।
देखिए इंपॉर्टेंट रीजन जो है नॉर्थ लखीमपुर, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कि बेसिकली ये आपका आसाम वाला क्षेत्र हो गया, लखीमपुर, तेजपुर, नगांव, गुवाहाटी, इन सब क्षेत्र में गोल्ड बार स्कैम बहुत तेजी से होता है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, बट मैंने कुछ रीजंस को बहुत इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफाई किया है जो कि आसाम का क्षेत्र है। और वेस्ट बंगाल में अगर देखिएगा तो सैंथिया, सैंथिया को जो जान रहा है वो इस चीज को बिल्कुल जान रहा होगा कि वहां इस तरह के गोल्ड कॉइन के बहुत स्कैम होते हैं। क्या कुछ करता है वो स्कैम में आपको हम बताते हैं, आपको आगे दिखाएंगे। ये जो स्यूरी है, आपको सैंथिया है, ये सारे एरिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ गए हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो घर है वो एक छोटे मजदूर का घर, करोड़ों का घर बना होता है। कैसे वो कुछ फ्रॉड करते हैं देखते हैं नेक्स्ट उसके मोडस को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना, इसको समझ लिया तो आप पूरे स्कैम को समझ जाओगे। एक फ्रॉडस्टर क्या करता है कि एक नंबर निकालता है, नंबर निकालने के बाद वो क्या करता है, वो नंबर बेसिकली किसका निकालता है, वो हार्डवेयर का निकालता है जो मैंने आपको पीछे बताया, हार्डवेयर स्टोर का निकालता है, टाइल्स जहां बिकता है उसका निकालता है, या सैनिटरी स्टोर जो होते हैं जिसमें घर से संबंधित जो सामान होते हैं उसका पहले वो नंबर निकालता है और उसके बाद वो कॉल करता है उस ओनर को। वो नंबर्स होते हैं तो उसमें वो ये करता है, जो बंगाल का जो स्कैम है जो मेरे सामने आया है इस तरह के गोल्ड वाला, वो फोन करके ये बोलता है कि दादा आप मेरे को पहचाने, मैं कौन बोल रहा हूँ। तो वो बोलता है सामने वाले स्टोर को तो नहीं पता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता आप कौन बोल रहे हो। दादा मैंने आपके दुकान से बहुत ज़्यादा पहले, बहुत पहले कुछ सामान लिया था, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, आप हमको बहुत अच्छे आदमी लगे थे, आप मेरे को बहुत शरीफ आदमी लगे थे, आपने हमको डिस्काउंट भी दिया था जबकि मेरे पास, मैंने बताया था मेरे पास पैसे नहीं है। आप अगला आदमी को ये याद नहीं होता, उसने बहुत सारे चीज़ों को बेचा है, वो वेबसाइट चला रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो बड़ा स्टोर होगा, बहुत सारे चीज़ों को बेचा है। वो बोलता है कि दादा ऐसा है कि हमने एक खुदाई हो रहा था, एक पुराना हवेली था वहाँ खोद रहे थे तो वहाँ एक लोटा निकला, लोटा में हमको ये बात दो तीन दिन बाद पता चला, उस लोटे में ना बहुत सारा सिक्का है। अब मेरे को ये पता नहीं था वो क्या चीज़ का सिक्का है, कुछ आदिवासी ग्रुप जो है उसको खोदा है, या मेरा लोकल जो वहाँ का लोकल आदमी है वो खोदा है, और वो डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, वो किसी को बता नहीं रहा है। तो हम उसको क्या किया, वो चूंकि टोन उसका थोड़ा बंगाली रहेगा, हम उसको क्या किया कि हम उसको बुलाया के बोला हमको जो है कि वो दिखाया, तीन ठो सिक्का लिया, हम ले जाकर उसको दुकान में टेस्ट कराया। दादा वो बहुत एकदम प्योर सोना है, दादा आप देखो आप मेरे को शरीफ आदमी लगा, मैं आपको ही देगा, इस तरह करके कुछ लैंग्वेज में बोलता है। तो सामने वाले को विश्वास नहीं होता, सामने वाले को क्या करता है वो सिक्का का जो है वो फोटो भेज देता है, ये सिक्का है, इसका अगर आपको फोटो भेजा जाए ना तो आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल गोल्ड कॉइन की तरह दिखता है, ये सिक्का भेज देगा। सामने वाला जो होता है बोलता है कि यार सही में इसके पास तो लोटा भी निकला है, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एक बार चल के देख लेते हैं क्या है ये माजरा क्या है। वो क्या करता है एक जगह पे उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि उसके पास वाकई में वो सिक्का ओरिजिनली है कि फोटो भेज रहा है, वो पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो वो क्या किया जाता है कि वहाँ पूरे उसके आदमी सेट होते हैं, एक आदमी जो ऑटो ड्राइवर होता है या टोटो ड्राइवर होता है उसको बैठा के ले जाता है, वो आगे निकल जाता है, वहां से एक छोटा सा सुनसान जगह होता है जहां पे वो आदमी बैठा रहता है, वो बैठा रहेगा बिल्कुल इन्फॉर्म सा आदमी बैठा रहेगा, आपको बुलाएगा दादा इधर आओ, जैसे आप पास जाओगे तो दादा इधर आओ आपको दिखाए वो चीज, तो बोला हाँ दिखाओ, तो वो क्या करेगा कुछ सिक्का ऐसे हाथ में लेगा, ऐसे ऐसे करके निकाल के दिखाएगा आपको, आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे कि बिल्कुल इस तरह के जब सिक्कों को आपको दिखाया जाएगा तो आप सोचोगे गोल्ड कॉइन है। वो क्या करेगा कि वो इधर उधर पूरा देखेगा, वो आपका एक माहौल क्रिएट करेगा, फिर उसको वो क्या करेगा दांत से काटता है, ओरिजिनल सिक्का एक उसके पास रहता है, टोटल सिक्का फेक रहता है, एक सिक्का को दांत से काटता है, क्योंकि वो एक सिक्का की कीमत मान के चलिए 27,000 या 28,000 रुपए होते हैं, बिल्कुल पतला सिक्का है आपको अगर दिख रहा हो तो, उसको दांत से काटता है, बिल्कुल छोटा सा सिक्का 2,000 रुपए तक या 3,000 रुपए तक का उसको देता है, बोलता है आप इसको टेस्ट कराना, उस आदमी को भगा देता है, वो एक साइड भागता है, आदमी दूसरे साइड भागता है, वो तीसरे साइड निकल जाता है। अब जाकर के सामने वाला क्या करता है उसको प्योरिटी चेक कराता है, तो प्योरिटी कहीं से भी चेक कराता है तो 24 कैरेट गोल्ड प्योर निकलता है। सेम गोल्ड बार के केस में भी है, बिल्कुल छोटा सा गोल्ड बार उसको दिया जाता है कि हमने खुदाई करा, खुदाई में ये सिक्का निकला या गोल्ड बार निकला, उसको आपको लेना है तो आप पूरा 3 किलो का 2 किलो का बड़ा बड़ा होता है गोल्ड बार, बहुत भारी भारी, वो उसको काटते हैं आपके सामने काटेंगे, गोल्ड लगा हुआ जो पोर्शन होता है पूरे बार में वो एक्चुअली ब्रास का होता है, ब्रास में थोड़ा सा गोल्ड लगा होता है, उस गोल्ड को वो काट के आपको देते हैं, प्योरिटी चेक कराओगे तो 24 कैरेट निकलेगा। सामने वाला का दिमाग पागल हो गया, सामने वाला को फ्रॉडस्टर से लगा बिल्कुल यकीन हो गया, उसको लगा कि अब हमको वो सिक्का लेना है, हमको वो बार लेना है। उसके लिए वो क्या करता है, हर संभव प्रयास करता है, सोना एक ऐसा चीज है अच्छे अच्छे का ईमान डोला देता है, तो जब ये ईमान डोल गया और आपका दिमाग खराब हो गया तब आप उस समय ठगी के शिकार हो गए। हुआ क्या उसके साथ, वो सामने वाला को बोलता है कि कैश जो है मुझे कैश में पैसा चाहिए।
अब सामने वाला को बार बार ये बताता है कि नहीं नहीं वो पूरा सिक्का नहीं दे रहा है, वो मुझे क्या कर रहा है, मेरे को बार बार बोल रहा है जल्दी लेना है तो लो, नहीं तो हम दूसरा को बेच देगा। तो सामने वाले को बिल्कुल ऐसा मैनिपुलेट करता है, उसको लगता है कि नहीं ले ले। एक सिक्का की कीमत अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में 27 से 30 हज़ार रुपये है, उसको वो 3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये में बेचने की कोशिश करता है। वो लाखों रुपए का सिक्का कैश में डील होता है, बोलता है 500 का नोट ही लाना या 2000 का नोट लाना, पैकेट बना के बंडल बना के सुनसान जगह पर मिलता है, सामने वाला उसको लोटा सहित उसको पूरा चीज दे देता है। और वो जब सामने वाला जो है वो भागता है वहां से, तो तुरंत बोलता है कि दादा उस आदमी को जो आपको सामान दे रहा था उसको गांव वाला पकड़ लिया है, गांव वाला आपके पीछे आ रहा, आप सीधा गाड़ी से निकल जाओ, एक सुनसान जगह में अनजान जगह पे आप क्या करोगे, इस तरह में आप जब फंस जाओगे आप गाड़ी से निकल जाओगे, आप सोचोगे मेरे हाथ में तो भाई सोना का पूरा खजाना लग गया, खजाना हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए आप गाड़ी चला के तेजी से निकल जाते हो। जब दोबारा आप सुबह उठ करके अपना चेहरा वहरा धो करके नहा के आप बाहर जब जाते हो हीरो बन के, आपको लगता है करोड़पति बन गए, उसी दिन आप रोड पे आ जाते हो, क्योंकि इस तरह का फेक सिक्का आपके हाथ लगता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। उसी तरह गोल्ड बार भी होता है, लाखों लाख रुपए दे दिया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानना ये चीज है कि आपके पास अब कोई एविडेंस नहीं है, आपने कैश में डील किया, आपके पास ये सोना का सिक्का है ना, कोई एक नंबर है जो एक फेक नंबर है। इसी वजह से मैं इसको साइबर क्राइम के एम्बिट में ले आया, क्योंकि वो फेक नंबर से कॉलर कॉल करता है, जो फ्रॉडस्टर होता है उसको यूज करता है। तो वो एक फेक नंबर से इस तरह के सिक्कों को, जो कि एक बिल्कुल फर्जी सिक्का होता है, आपको देता है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं, पुलिस बिना एविडेंस के काम नहीं करती, आपका लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन वही पुलिस जो मैं हूं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई घटना हुआ हो तो डेफिनेटली बताइए, एविडेंस कैसे निकालना है वो हम लोग इस चीज को सीख लिए हैं, उस चीज को जानते हैं। अगर आपके साथ हुआ है तो इस चीज को जरूर बताइए, अगर नहीं हुआ है तो और लोगों को ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए। अगर फिर भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त वाला मुद्रा राक्षस नहीं, मुद्रा राक्षस एक वीडियो बनाया गया है बंगाल सरकार के द्वारा, जो सैंथिया पुलिस है उन्होंने बनाया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट वो जो वीडियो है वो बंगाली में है, आप उसको समझिए, इस वीडियो को देखिए, इस तरह का किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है तो डेफिनेटली बताइए। साइबर सुरक्षा का चैनल, साइबर सुरक्षा की पूरी टीम आपकी मदद करेगी और इस तरह के फ्रॉड से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।